लगो तमाम वीडियो है, तो ये शहर के जिम्मेदार चंद कागज का टुकड़ा बताते हैं कि हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। भाई साहब काम चाहिए आवाम को। शहर के मोहतबर जिम्मेदार आज सड़कों पर उतर रहे आंदोलन करने के लिए, हम खैर मकदम करते हैं, हर आंदोलनकारी का हम इस्तकबाल करते हैं। आइए, ये बाबा साहेब अम्बेडकर का मुल्क है, हम आंदोलन करने वालों की कदर करते हैं। आज 10 साल से हम आगरा रोड को शहर की तमाम मसाइल की जगह को लेकर के अल्हम्दुलिल्लाह पांचों टाइम का नमाजी हूँ, घर का अच्छा आदमी हूँ, कहीं से नीचे से ऊपर से पाकिट आएगा तो मैं बाहर निकलूँगा वो भी नहीं हूँ, पता नहीं कहाँ कहाँ से पाकिट आता है, अपने बलबूते पे कमा के घूमता हूँ, आवाम की खिदमत करता हूँ। इलेक्शन को चंद महीने रह गए तो आगरा रोड की तकलीफ नज़र आ गई। बहुत अच्छी बात है धरना आंदोलन की, ये 10 साल में पहली दफ़ा दिखी क्या? यहाँ सीनियर सहापी बैठे हुए हैं, जब तो चैनल वगैरह इतना था नहीं, हम चरचर पचपन डंपर मुरुम मट्टी पत्थर मंगा करके हम रोड को पाटते थे अपने हाथों से, हाथों की चमड़ियाँ निकल जाती थी। आप अखबार वालों ने लिखा कि यार खिदमत कर रहा है, तो अचानक कैसे क्या इनको सुध आ गई कि आगरा रोड पे तकलीफ है देवी के मल्ले के पास में। आज से 3.5 साल पहले मैं अपने हिंदू भाइयों को लेकर के वहाँ किच्चड़ में लोटपोट किया, तब भी नहीं दिखा क्या? बहुत सारी चीज़ें जो 28 तारीख को हम आवाम के सामने बताएंगे कि किसने क्या किया, कौन कितने दफ़े जाके बम्बई में हम बेगुनाह के घर वालों को ले जा करके कितनी दफ़े मीटिंग किया, कितनी दफ़े मनोरंडम दिया, कितनी दफ़े सड़कों पे आया। आगरा रोड की तकलीफ़ के लिए आप रोड पे आ गए, 12 नवंबर के लोगों के लिए रोड पे नहीं आए। आप कह रहे हो 1500 में से 64-60 लोग जो अंदर हुए बाकी को मैंने छोड़ा लिया, तो भाई हो सकता पुलिस वालों ने उनको कुछ रिटर्न में दिया होगा कि आपने कहा तो इसलिए हम लोगों ने ये 1440 लोगों को तुम्हारे बोलने पे गिरफ्तार नहीं करेंगे। अगर जो ऐसा है पुलिस ने उन्हें लिख के दिया है कि आप 1440 लोगों को हम गिरफ्तार नहीं करेंगे, तो शहर में सबसे पहले इस्तकबाल उनका रिजवान बैटरी वाला आवामी पार्टी करेंगे। लफासी बातें करना, इतनी तो हिम्मत थी नहीं कि हम सिटी में 11 दिन थे जाली पकड़ के भी हमसे बात कर ले। ऐसा लग रहा था कि जैसे हम लोग बांग्लादेशी तो बेचारे छोटे मोटे लोग, ऐसा लग रहे हैं, ऐसा लग रहा था कि जैसे हम लोग जो है ना लश्करे तैयबा के लोग आ गए हैं, हमसे तो दो जुमला बात करने की हिम्मत नहीं थी। तो आपने बाकी लोगों को कहाँ से छुड़ा लिया, जरा वो मीडिया को बता देना। ऐसी मेरी शहर की तरफ से गुजारिश है कि आपने लोगों को जलसे में कहा ना मैंने बचाया, बता दीजिए आप। हम एक एक चीज को आवाम की अदालत में उस दिन रखेंगे कि किसने और कैसे कौम के साथ गद्दारी की है, वो हम आवाम के बीच में लाएंगे कि 12 नवंबर के मामले में अगर जो मालेगांव शहर की आवाम के दिलों में हमें जिंदा रखा, तो आप मीडिया, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की मेहरबानी है कि आपने आवाम को जगाते रहे कि आपके लोग बंद हैं। और हम सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ताला ने हम सबको एक बहुत बड़ी निजात से छुटकारा दिलाया, और मालेगांव शहर की गयूर आवाम जो हमारे लिए मस्जिदों में, मदरसों में, खानकाहों में, सड़कों पे खड़े रह के दुआ किए, पर्दा नशीन माँ बहनें हमारे लिए रोज़ा रखे, हमारे कई ऐसे सहाफ़ी हजरात हैं जो हमारे लिए रात दिन एक किए, मालेगांव से बम्बई, बम्बई से नासिक, ये सब लोग मुबारकबाद के हकदार हैं। आने वाले जुमा को हम पहले आदमी का नाम पेश करेंगे आवाम की अदालत में,
कि इनका क्या रोल है। और मैं पुलिस वालों से कहना चाहूँगा कि सर जी, आप जो चश्मा पहने हैं उस चश्मे से सभी लोगों को एक नज़र से देखो, एक नज़र से देखो। आपके सीसीटीवी कैमरे में जो लोग दिखे उन्हें लाओ, अभी तक लाए नहीं। हम अल्लाह का शुक्र अदा करते कि हम लोगों का नाम भगोड़ों में नहीं है।